हमारे जैसे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पूर्वज और बड़े बुजुर्ग, उन सबों के लिए होली दिवाली सभी मनाने का एक ही दिन है। 70 साल से जो तपस्या हमारी पार्टी कर रही थी, जिसके लिए कि लगातार आंदोलन हो रहे थे, जिसके कारण कि हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु हुई, जिसके कारण कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा निकली, जिस यात्रा के संयोजक आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिसके लिए कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक यात्रा निकाली कि लाल चौक पर श्रीनगर पे तिरंगा झंडा फहराना है, आज उसका एक कल्मिनेशन का डेट है, आज उसका दिन है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को विशेष तौर पर सारे कार्यकर्ता और सारे देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस तरह का बिल लेकर आए और हमारे जीते जी हमारे सांसद रहते ये बिल इस पार्लियामेंट में पास हो रहा है। कश्मीर है क्या? इतिहास के पन्नों में यदि देखें तो देने वाले ने दिया सब कुछ अजब ढंग से, देने वाले ने दिया सब कुछ अजब ढंग से, सामने दुनिया पड़ी है उसे उठा नहीं सकते, सब कुछ है। यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं उनकी विद्वता क्षमता घूमने पर नहीं करता, लेकिन जितना कश्मीर मैंने देखा है शायद कम लोगों ने देखा होगा। आदि शंकराचार्य ने वहां मंदिर की स्थापना की, कितने लोगों ने देखा होगा? वैष्णो देवी लोग जाते हैं, उनकी बहन खीर भवानी घाटी में है, कितने लोगों ने देखा होगा? मोहम्मद साहब का बाल हजरत बल दरगाह में रखा हुआ है, मैं पूरे देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने हजरत बल दरगाह में जो है मोहम्मद साहब के बाल को देखा है? मैंने देखा है। जामा मस्जिद जो कि देवदार के पेड़ जो है 150-200 फीट ऊंचे हैं, कितने लोगों ने जामा मस्जिद देखा है? मैंने देखा है। कोकरनाग, बैरीनाग, जाली जाचीगाम, कितने लोगों ने देखा है? आज उस कश्मीर को यदि किसी ने नहीं देखा, कम लोगों ने देखा, 2%, 4%, 5% लोगों ने देखा, तो उसमें किसकी नीति दोषी है? यहां बहुत इतिहास की चर्चा हुई, मेरे दोस्त उदासी बैठे हुए हैं, कल उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, आप प्रेमचंद्र साहब आप हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बुक रूल बुक की बात करते हैं, उसने पूछा मुझसे कि इसमें 232 नंबर आर्टिकल नहीं है, इस संविधान में 232 नंबर का आर्टिकल नहीं है, और फिर मेरा ध्यान क्या कह रहे 232 नंबर क्यों नहीं है? इन लोगों ने बाउंड्री की बात की, इन्होंने 370 की बात की, आर्टिकल 3 की बात की, आर्टिकल 1 की बात की, ये 232 किसने हटा दिया? स्पीकर महोदय, इस कांग्रेस ने हटा दिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनी, SRC बनी, स्टेट की बाउंड्री क्या होगी जिसके कारण की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक दूसरे से लड़ते रहा और बिना किसी से बात किए हुए केवल अपने ब्रूटल मेजोरिटी के कारण इन लोगों ने 232 आर्टिकल खत्म कर दिया। उस वक्त संविधान कहां था? उस वक्त एक देश कहां था? उस वक्त एक डेमोक्रेसी कहां थी? आज हमसे इन सारे चीजों का हिसाब पूछते हैं आप? मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय कि यह कश्मीर का प्रॉब्लम डेवलप कैसे हुआ, मैंने इसके तह पर बहुत जाने की कोशिश की। 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट हुआ, उसको शेख अब्दुल्ला साहब जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लीडरशिप कर रहे थे, और शेख अब्दुल्ला साहब इसलिए कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और मुस्लिम लीग का डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट यह था कि कश्मीर के मुसलमानों का नेता शेख अब्दुल्ला है या कश्मीर के मुसलमानों का नेता जिन्ना साहब है, इतिहास को थोड़ा सुनना पड़ेगा। और वो मूवमेंट क्या था? वो मूवमेंट वहां के सदर रियासत, वहां के राजा के खिलाफ था। उस मूवमेंट को किसने साथ दिया? उस मूवमेंट को नेहरू जी ने साथ दिया। नेहरू जी वहां साथ गए और जब 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ तो शेख अब्दुल्ला का सदर रियासत के ऊपर विश्वास नहीं था, सदर रियासत का नेहरू के ऊपर विश्वास नहीं था, सदर रियासत जिन्ना के प्रति ज्यादा एक्टिव इसलिए नजर आ रहे थे कि इस क्विट कश्मीर मूवमेंट में जिन्ना ने सदर रियासत का साथ दिया था, और यही कारण था कि वो जो एक्सेशन है, एक्सेशन की जो ट्रीटी है वो 15 अगस्त 1947 को साइन नहीं हुई। मैं कॉपी लेकर आया हूं नेशनल आर्काइव से, ये पूरा का पूरा माउंट बेटन रणजीत सिंह का है सर,
इसमें क्या है कि ये 562 राजाओं ने एक ही एग्रीमेंट साइन किया, एक ही एग्रीमेंट साइन किया, पूरा का पूरा एग्रीमेंट एक था, केवल इसमें नाम भर दिया जाता था कि किसका क्या साइन होगा, किसका क्या साइन होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 562 आदमी को आपने धारा 370 तो नहीं दी ना, क्या ऐसा कारण था? और कारण का कारण यह था सर, क्योंकि सरदार पटेल थोड़ा दो मिनट जो है इतिहास में मैं जाना चाहता हूं सर, क्विट कश्मीर मूवमेंट में, कि सरदार पटेल की मैं एक चिट्ठी लेकर आया हूं जो उन्होंने 6 फरवरी 1948 को लिखी, और 6 फरवरी 1948 को उन्होंने लिखी कि तुम जो ये कर रहे हो नेहरू, आप जो यूएनए में जाने की कोशिश कर रहे हो, ये देश के लिए खतरनाक है, और गृह मंत्री के नाते मुझे ये बताओ, यदि आप चाहेंगे तो मैं उसको प्लेस कर दूंगा। और नेहरू ने कहा कि कश्मीर के बारे में आप मुझे छोड़ दो, जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा। और इसके बाद जब ये 370 हो गया, 370 लागू हो गया, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हो गया, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा जो है मैं भाषण लेकर आया हूं, यहां बड़ी बात चल रही थी नेहरू की, ये लोकसभा का डिबेट है 7 अगस्त 1952 का, और ये पूरा हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जो है ये भाषण है। उस भाषण में मैं आपको बताऊं कि नेहरू कह रहे हैं कि जो भारत का भूभाग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारे गृह मंत्री से आप लोग जवाब पूछ रहे थे कि पाकिस्तान ने जो वो भूभाग कब्जा कर लिया है, उस भूभाग का केवल 1/3 है, छोटा हिस्सा गया है। मैं आपको बताऊं कि इस बिल में हम 24 केवल वो सीट लेकर नहीं आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हम उसके लिए बलिदान देने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा एक नारा लगाते रहे कि कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। हम अपना खून देने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम वापस लेके रहेंगे। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का भाषण है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, इस देश के नागरिक के नाते, इस पूरी सरकार को, यहां गृह मंत्री बैठे हुए हैं, यहां पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, और खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का के प्रति आभारी होना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा दिन हम लोगों को दिखाया, हमारे जीते जिंदगी ये हो गया। इसके लिए हम कानून मंत्री जी, हम इसके लिए विशेष तौर पर, और अधीर चौधरी साहब का भी विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो गलती की थी, जो कांग्रेस ने गलती की थी, जो नेहरू ने गलती की थी, इसके कारण हमने भोगा, आज वो दिन फिर से वापस आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद श्री विनायक।